आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज द सुबो हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेशन राइट। तो फ्रेंड्स कैसे हो, होप करता हूं मेरा तरह अच्छा ही होंगे। तो सुबह सुबह निकल गए हैं, आज जाने वाला हूँ माइथन, झारखंड माइथन डैम। तो जा रहे हैं साइथिया सीढ़ी की तरफ। तो आज का लगभग राइड होने वाला है 170 किलोमीटर। मेरे घर से डिस्टेंस है 170 किलोमीटर। तो टाइम लगेगा लगभग गूगल के हिसाब से 4 घंटे, मेरे हिसाब से 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि साइथिया का जो रोड है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उस वजह से टाइम थोड़ा लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है, जो होगा पता चल जाएगा। अभी तक सुबह नहीं हुआ एंड शायद आज बारिश भी ना मिले, तो देखते हैं, इसलिए सुबह सुबह निकल गए हैं। तो आज का टोटल राइड होने वाला 340 किलोमीटर, तो मज़ा आएगा। থানাতে দিবি মালিককে ফোন করো, যাইছো তাই করো। হ্যাঁ, ধরেছিল পুলিশকে।
পুলিশ ধরেছিল কিছু বলেনি শিওর ধরেনি তো যাওয়ার সময় খালি টাকাটা দিয়ে যাবে হ্যাঁ কাইতে ঢাকা করে দেবে অবশ্যই तो हम अभी साइथिया भी नहीं पहुंचे। थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम हो गया था, प्रॉब्लम बोल के बाइक का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक रुक के थोड़ा चाय पी रहा था तो एक लॉरी ड्राइवर ने ठोक दिया था बाइक को, उसके बाद मैंने उसको पकड़ा। पहले तो ड्राइवर ने मानने के लिए तैयार ही नहीं था, ये एक्सीडेंट उसने ठोका, बहुत गाली खाने के बाद माना एंड मेरे हैंड कार्ड की पैसा भी दिया, माना पैसा थोड़ा कम था, अच्छी बात है उसने दिया, पूरा नहीं जाएगा मेरे पॉकेट से, ये तो पहले ही क्लियर कर दिया था, पैसा हाथ में तो नहीं तो पुलिस स्टेशन चलो, सारी बात वहाँ पर ही होगी, नसीब अच्छा था नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरा सिर्फ मेरा हैंड कार्ड टूट गया है, साथ मेरा जो दोस्त है उसका हेलमेट पर थोड़ा स्क्रैच आ गया है, तो कोई बात नहीं, रास्ते में ऐसे इंसिडेंट होते ही रहते हैं मुझे पता है, जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ से टाइम लगेगा लगभग 3 घंटे, डिस्टेंस बाकी है 134 किलोमीटर, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बाकी है। अभी हम सीढ़ी पे है, यहाँ से डिस्टेंस बाकी है 113 किलोमीटर, टाइम लगेंगे 3 घंटे, यहाँ पे थोड़ा रुके थे चाय वाय पिया, अभी जा रहे हैं आगे की तरफ। आई थिंक इसके बाद रोड कंडीशन थोड़ा अच्छा ही होगा क्योंकि यहाँ से NH14 पड़ेगा और 130 मीटर है, 90 मीटर, उसके बाद नेशनल हाईवे पर जाएगा, तो नेशनल हाईवे रोड कंडीशन अच्छा होगा आई थिंक। यहाँ से रानीगंज का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर एंड बांकुड़ा का 68 किलोमीटर, खड़गपुर का 181 किलोमीटर, तो लगभग पहुँच गए हैं। मैप पे दिखा रहा है 73 किलोमीटर बाकी है। सोपुर बाजारी जाने के लिए लेफ्ट साइड लेना है
हमें जाना है रानीगंज, तो हम लोग जाएंगे सीधे भाई। कैसे बात चला रहे हो भाई? अजीब गंध है साले। फाइनली माइथन पहुंच गए हम लोग। चारों तरफ का व्यू देखो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओहो, आज इतना धूप है दोस्तों, क्या बताऊं, हालत पूरा खराब हो गया। इतना धूप, इतना तीखा धूप, तो लगभग आज टाइम हुआ है 9:30 बजे। पहुँचते 5-5.5 घंटे लग ही गए हैं। मुझे लगा था 4-4.5 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन दो जगह हम लोग रुके थे, चाय वाय पिया, इसलिए बहुत लेट हो गए। कोई बात नहीं है, यहाँ पर 2-1 घंटे रहूँगा, कोशिश करूँगा बोट में चढ़ने की। आई थिंक बोट ओपन है, नहीं तो चला जाऊँगा 2-1 घंटे रहने के बाद। तो देखते हैं क्या होता है आगे। पहले तो जाता हूँ, बाइक पार्क करता हूँ, तो बोटिंग करने का कोशिश करूंगा, अगर खुला है रहेगा तो आप लोग एंजॉय कीजिए ये वाला व्यू। बाइक कहाँ पार्क करूँ, बाइक 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 पार्क करने की जगह आई थिंक इस जगह है। हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ थोड़ा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए। वहाँ से एक आर्मी बैठा था, उससे परमिशन लिया है सर से। सर ने बोला है जो जो बोर्ड पे लिखा है वो होस्टिकली पालन करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। घूमना हो गया, अब जा रहे हैं आगे की तरफ, आगे मतलब घर की तरफ। अभी टाइम हुआ है 11 बजे, जा रहे हैं यहाँ से। लगभग टाइम लगेगा 5 घंटे, 5 घंटे से ज़्यादा, तो करीब 4-5 बजे आई थिंक पहुँच जाएंगे, क्योंकि रास्ते में रुकना है, मुझे लंच वगैरह करना है। अभी टाइम हुआ है 11:40, अब निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ।
करीब 11:50 हो गया, देखते हैं घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो टैंक फ्यूल अप करना पड़ेगा। तो करीब अभी टाइम हुआ है दोपहर को 3:30 बजे, सीढ़ी क्रॉस करके अब साइथिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से टोटल डिस्टेंस बाकी है 54 किलोमीटर एंड टाइम लगेगा और 1 घंटा। सीढ़ी पे बहुत रोड जाम लग गया था इसलिए बहुत लेट हो गया। मुझे लगता है आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आपसे सीधे मिलते हैं घर पे, बाकी बातें घर जाके। 5 hours later तो फिर से वापस आ गया आपके सामने। तो करीब 5 बजे घर पहुंचे, उसके बाद फ्रेश होकर दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ। तो आज का वीडियो इतना ही, अभी तक देख रहे हो तो वीडियो का कुछ तो कुछ अच्छा ही लगा, तो वीडियो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा ले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सी वीडियो में। राइड सेफ, यूज हेलमेट, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बाय। Dime lo que tú crees de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se dosis.